जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पे एक बड़ा हादसा हुआ है। त्रिवेणी पुलिया पर अल सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। एक डामर ट्रॉली और कार में भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच जारी है। आपको बता दें, अल सुबह ये दुर्घटना हुई है, शायद अंधेरे के चलते या डामर ट्रॉली के ऊपर शायद इंडिकेटर्स ना होने के चलते हो सकता है हादसा हुआ हो। पुलिया जो है वो 4 लेन है, लेकिन उसके बाद भी कार सवार और कार में और डामर ट्रॉले में टक्कर हो गई है। भीषण हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। अल सुबह यह हादसा हुआ, इसलिए जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अल सुबह हुआ, शायद इस वजह से डामर नहीं दिखा होगा या तेज रफ्तार रही होगी कार चालक की, जिस वजह से वो जाकर डामर ट्रॉलर से टकरा गई और टकराने के बाद कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार जारी है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुमित शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में। सुमित, किस तरह से हुआ ये हादसा? जी शालिनी, मैं सच बैठ के तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये जो हादसा है ये आज सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच का त्रिवेणी पुलिया का है। जिस प्रकार से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार और एक ड्रामा ट्रॉली दोनों के बीच में भिड़ंत होना इसमें बताया जा रहा है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों से जब सच बदर ने बातचीत की तो उनका कहना था कि जो कार है वो जो ट्रैक्टर डंपर की जो ट्रॉली है उसके अंदर आकर घुसी। लेकिन जिस प्रकार से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार है वो अपनी दिशा में जा रही थी और जो ट्रैक्टर डंपर है वो दूसरी दिशा की तरफ से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कार सवार 3 लोगों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक्सीडेंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सच बेधड़क से पुलिस वालों से बातचीत करने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो कार चालक थे, क्या तेज रफ्तार में थे? क्योंकि इतना अंधेरा भी नहीं था, सुबह 6 बजे अगर ये हादसा हुआ तो क्या उन्हें ट्रॉली दिखी नहीं? किस तरह से वो जाकर इसमें घुस गई? क्या अनियंत्रित हो गई थी? क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? अभी तक फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हुई है उस तस्वीरों के अंदाज से हम लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी। अमूमन हम देखते हैं सुबह जो रोड होते हैं उन पर ट्रैफिक कम होता है, जिस वजह से लोग बाग अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेते हैं और वही कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता है। जी बिल्कुल सुमित, फिलहाल घायलों का उपचार जारी है, उनकी स्थिति कैसी है, क्या कुछ अपडेट? अभी फिलहाल घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार 3 लोग थे। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी का ये भी कहना है कि उन कार सवार 3 में से एक व्यक्ति ने उनके परिजनों को बताया, फिर वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पुलिस को और एक्सीडेंट थाना पुलिस को दोनों को मौके पर बुलाया और तमाम स्थितियों का उनके बारे में बताया गया है। जी सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी सुमित, जिन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से ये जो कार थी ये आकर के उल्टी दिशा से आ रहे इस डामर ट्रॉले में टकरा गई और कार सवार जो 3 लोग थे वो घायल हो गए, जिन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और ये डामर ट्रॉला जो है सड़क पर उल्टा पड़ा हुआ है, विपरीत दिशा से आ रहा था और शायद गाड़ी अनियंत्रित हो गई होगी, जिस वजह से ये जाकर के ट्रॉले में जा घुसी और कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डामर ट्रॉली और कार में अल सुबह भिड़ंत हो गई। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में ये हादसा हुआ और कार सवार 3 जो लोग थे वो घायल हो गए, जिन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि हादसा शायद इतना भीषण रहा होगा कि डामर ट्रॉली जो है वो पलट गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि
नहीं हुई। त्रिवेणी पुलिया पर अल सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है।